आज हम लोग चैप्टर टू पर चर्चा करेंगे। इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम लोग पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि यह ऐसा विषय है जिसमें हम धन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। कैसे धन कमाना है, उसके क्या क्या साधन हैं, और फिर उसको कैसे खर्च करना है ताकि जन सामान्य को अधिकतम संतुष्टि मिले, कल्याण मिले, इसको हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है। हम पहले भी दिन बताए थे, क्योंकि ये विषय से ही स्पष्ट हो जाता है जिस शास्त्र में धन का अध्ययन होता है उसे ही अर्थशास्त्र के रूप में हम जानते हैं। तो आज ये जो है पीपुल, आज आपको सुनकर थोड़ा सा अचरज भी लगेगा और यथार्थता को जानने का आप प्रयास करेंगे तो अच्छा लगेगा, यथार्थ को आप जान पाएंगे। तो ये पीपुल यानी पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन का क्या इंपॉर्टेंस है तो मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि जब देश को आजादी मिली थी उसमें हमारी आबादी यानी देश की जनसंख्या लगभग 35-36 करोड़ के आसपास थी। आप अपने अभिभावक से, माता पिता से, दादाजी से, दादी माँ से जब बात करेंगे तो बताएंगे आपको कि पहले खाद्यान्न का अभाव रहता था और इस बात की चिंता होती रहती थी कि जनसंख्या ज्यादा है इसीलिए खाद्यान्न संकट की स्थिति, जनसंख्या को कम करना है। और इसके साथ ही साथ अन्य फैक्टर्स भी हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, किंतु जनसंख्या को एक दायित्व के रूप में, जनसंख्या को एक लायबिलिटी के रूप में देखा गया, किंतु जनसंख्या का क्या रोल होता है उसको नहीं देखा। तो मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहूंगा, आज भी हमारे देश के बहुत अच्छे अच्छे लोग के मुंह से सुनने को मिलता है, विद्वान लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है, बहुत तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है जो देश के विकास में बाधक है। तो मैं अपने बच्चों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब हमारी आबादी 35 करोड़ की थी, हम लोग परेशान थे, हमारे परिवार के बुजुर्ग सदस्य परेशान थे, गंभीर समस्या है खाद्यान्न को लेकर, अन्य और भी समस्याएं थी। याद होगा आजादी के बाद, आजादी में अंग्रेजों ने विरासत में क्या दी, भुखमरी, बेरोजगारी, पूरा खजाना खाली खाली, देश करे तो क्या करे, उसी में संघर्ष करना था। संघर्ष किए भी, आगे बढ़े भी, तो आजाद हुए देश को बहुत कम ही समय हुआ था देश के सामने में खाद्यान्न की बहुत बड़ी समस्या थी। इसीलिए जब फर्स्ट 5-year plan शुरू किया गया तो
तो उस कालखंड में देखा गया कि कृषि पर जोर दिया गया, थोड़ा इम्प्रूव किया इस क्षेत्र में, उद्योग कमजोर पड़ गया, तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में उद्योग पर फोकस डाला गया। फिर देखा कि भाई उद्योग तो थोड़ा आगे बढ़ा है, किसी फिर लटक गई, तो फिर अगले थर्ड प्लानिंग में कृषि और उद्योग दोनों पर जोर दिया गया। फिर देखा गया कि शिक्षा का स्तर 10 का 10 है, तो उसको भी चौथे प्लानिंग में उसको भी जोड़ दिया गया। फिर पांचवा में देखा गया कि नहीं, और अधिक गरीबी तो व्याप्त होती जा रही है, तो उसमें क्या किया गया, नारा भी दिया गया, गरीबी हटाओ आंदोलन। इधर बीच के कालखंड में 60 से 70 के दशक में हमको याद है, हमने भी इतिहास को पढ़ा है, देखा है कि जब खाद्यान्न संकट की स्थिति उत्पन्न हुई, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने अमेरिका से याचना की, क्योंकि उनके ऊपर देश के सभी जनता का दायित्व तो था, उनके भरण पोषण का दायित्व तो था, उसको उसकी बेटरमेंट के लिए चिंता करते थे। तो उन्होंने अमेरिका से गेहूं आयात की अपेक्षा की। अमेरिका ने कहा कि भाई गेहूं हमारे पास में अतिरिक्त नहीं है। फिर मक्का की बात आई, तो अमेरिका में मक्का का उत्पादन भी बढ़िया होता है, अच्छा होता है। क्या हुआ वहां, तो अमेरिका ने यह कह करके मना कर दिया कि अपने यहां पशु जो सुअर है उनको चारा में देता हूं, मक्का को, मक्का के रूप में, तो सुअरों को चारा कहीं घट न जाए, इसलिए अभी मुश्किल है कहना। तत्कालीन प्रधानमंत्री शास्त्री जी को बेहद ग्लानि हुई और उन्होंने निर्णय लिया कि आधी रोटी खाएंगे, किसी के आगे में भीख नहीं मांगेंगे, और ऐसी व्यवस्था बनाएंगे, ऐसा संकल्प लेना है हम लोगों को कि देश को स्वयं के स्तर पर कठिन परिश्रम के माध्यम से अधिक अनाज पैदा करके खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। तो इसमें आप देख रहे हैं ना, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये 60 से 70 की दशक है, 65-66 में अप्रोप्रिएट इसका समय है। इतना बड़ा परिवर्तन हुआ, इतना उत्पादन हुआ, क्योंकि सरकार का पूरा ध्यान इस पर केंद्रित हो गया कि चारों तरफ फसलें लहलहाने लगी, मानो इस हरियाली में क्रांति आ गई। इतना उत्पादन हुआ कि इसका नाम ही दे दिया गया है हरित क्रांति, और देश धीरे धीरे आत्मनिर्भर खाद्यान्न के मामले में हो गया। तो कैसे संभव हुआ, पहले हमारी आबादी 35-37 करोड़ की थी, तो खाद्यान्न संकट की स्थिति थी। आज हमारी आबादी, आपको याद होना चाहिए, आज के डेट में यानी 2020 ईस्वी में यदि गणना हो जाए तो लगभग 135 करोड़ की आबादी हुई। तो निश्चित रूप से खाद्यान्न का तो और संकट हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत के पास में इतना अनाज का है उत्पादन होता है कि भारत आराम से साल भर
खाद्यान्न आपूर्ति करने के पश्चात भी सरप्लस बचता है। तो कल्पना कीजिए, यदि यह पॉपुलेशन देश के विकास में बाधक होता तो वैसी स्थिति में क्या होता? 35 से सीधे 135 करोड़ हो गया, और भी दयनीय स्थिति हो गई। किंतु ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे कुछ इकोनॉमिक्स लोग चर्चा करते हैं कि भाई जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि पर ढेर सारे इकोनॉमिक्स हैं। मैं बहुत के डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगा, हमको ह्यूमन एज रिसोर्स पर चर्चा करनी है, तो मैं उन्हें आगाह करना चाहूंगा कि भाई वो यदि एक मुंह लेकर के जन्म लेता है संतान बच्चा, तो उनके साथ में ईश्वर उनको दो हाथ भी देते हैं काम करने के लिए। और यही कारण है कि 135 करोड़ की आबादी भारत में रहने के बावजूद इतनी पर्याप्त मात्रा में, इतना पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होता है कि आज खाद्यान्न रखने की समस्या, इसलिए जनसंख्या वह अभिशाप नहीं है, वरदान है। जनसंख्या एक स्रोत है, एक माध्यम है, एक संपदा है किसी भी राष्ट्र के लिए। इसीलिए हम आज जनसंख्या को संपदा के रूप में, जनसंख्या को संसाधन के रूप में, जनसंख्या को स्रोत के रूप में, जनसंख्या को आय के रूप में, परिसंपत्ति के रूप में हम जानते हैं। इसी को इस अध्याय में प्रमाणित करना है। तो भी हम जानते हैं कि उत्पादन कार्य के जो फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइजेस, ऑर्गेनाइजेशंस, किंतु आजकल प्रचलन में लैंड लेबर कैपिटल, और लैंड लेबर कैपिटल में भी कैपिटल का जो है रॉ मटेरियल्स है, कच्चा माल है, फिक्स्ड कैपिटल है, और फिजिकल कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल है, इसमें बांटा गया है। तो आजकल उसी को कैपिटल में ये जो इंटरप्राइजेज और ऑर्गेनाइजेशन है उसको समाहित कर दिया गया है। किंतु कैटेगरिकली जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में चर्चा करेंगे आगे के स्टडी में, ग्रेजुएशन और पीजी वगैरह में, तो स्पष्ट उसकी व्याख्या की गई है और समझदारी होती है। तो यहां पर मानव एक संपदा है, एक रिसोर्स है, और यदि ऐसा नहीं होता तो दुनिया का सबसे निर्धनतम राष्ट्र वह कहलाता जहां पर कि दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या होती। आपको पता है कि चाइना का मैं उदाहरण देना चाहता हूं, चाइना का भारत से भी 143-144 करोड़ की अभी जनसंख्या है, लेकिन हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ने का जो दर है वह इतना ज्यादा है कि आगामी 15 से 20 वर्षों में हम चाइना को भी आगे क्रॉस कर सकते हैं जनसंख्या के दृष्टिकोण से। हाँ, एक बात और है, वैसे चाइना हमारा दुश्मन है, चाइना पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, दगाबाज है चाइना, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे उसकी नीति पर। तो चाइना एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में उभरता है और दूसरे महाशक्ति के लिए वह बेहद करीब में पहुंच चुका है। हालांकि ये बात अलग है कि उसका भी उनका विचार है, यानी चाइनीजों का भी विचार, उसका दृष्टिकोण जो है वह है विश्व के तमाम बिरादरियों के लिए डिस्ट्रक्टिव है। तो हम लोग उस पर बाद में चर्चा करेंगे, किंतु मेरा उदाहरण देने का तात्पर्य यह था कि आबादी जब हमारी बढ़ गई तो हम और अधिक डेवलप्ड हो गए, खुशहाल हो गए। क्यों हो गए?
क्योंकि मानव भी एक बहुत बड़ी पूंजी है और इस पूंजी के माध्यम से उत्पादन कार्य में अपार वृद्धि होता है। ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक यूज ऑफ लैंड एंड कैपिटल। मानव ऐसी पूंजी है, ऐसी संपत्ति है जो उत्पादन के जो विभिन्न फैक्टर्स हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भूमि स्वयं के स्तर पर उत्पादन का कार्य नहीं कर सकता, आय की प्राप्ति नहीं देता, लेबर की भी वही स्थिति है। यहां मानव से तात्पर्य ट्रेंड है, ट्रेंड से है, प्रशिक्षित से है, एजुकेटेड से है। तो ये मानव के निर्माण में क्या है, तो एजुकेशन। वी आर इन्वेस्टिंग ए लॉट ऑफ मनी इन फॉर्मिंग आइडियल ह्यूमन बीइंग। एजुकेशन, ज्ञान प्रदान करना क्या है, प्रशिक्षण देना, मेडिकल फिटनेस, तो इस पर जो खर्च हम करते हैं वह एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। आप देखिए इन्वेस्टमेंट क्या है, कैसे है, इसलिए इन्वेस्टमेंट से तात्पर्य होता है, उसका हिंदी होता है विनियोग। विनियोग से तात्पर्य है कि ऐसी परिसंपत्ति, ऐसे साधन जिसको उपयोग में लाने से भविष्य में और अधिक आय की पूंजी होती है, आय की प्राप्ति होती है, उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट के रूप में जानते हैं, ठीक है ना। तो मानव के, व्यक्ति के शिक्षा दीक्षा पर, उसके प्रशिक्षण पर, उसके स्वास्थ्य पर जो खर्च हो रहा है वह भी एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि यदि दक्ष है, ज्ञानी है, साक्षर शिक्षित है, ट्रेंड है, हेल्दी है, तो वैसे व्यक्ति उत्पादन कार्य या अन्य किसी भी प्रकार के प्रोडक्टिव वर्क के लिए वह बेहद महत्वपूर्ण फैक्टर्स होता है, उत्पादन का माध्यम होता है, आय की प्राप्ति का स्रोत होता है। इसीलिए इसको इन द लॉन्ग रन यानी दीर्घकालीन स्थिति में इसको हम लोग इन्वेस्टमेंट के रूप में जानते हैं, एक संपदा के रूप में जानते हैं, परिसंपत्ति के रूप में जानते हैं, संसाधन के रूप में जानते हैं। और जिस देश में जनसंख्या जितनी अधिक हो और साथ ही साथ वो दक्ष हो, कुशल हो, ट्रेंड हो, उस देश का उतना ही द्रुत गति से विकास होता है। वो यूं ही काहिल की भांति बैठा नहीं रहेगा। पहले के समय में एक आदमी दो आदमी कमाने वाले होते थे, परिवार में 10-15 सदस्य होते थे, अब बाकी बैठ करके खाते थे, थोड़ा बहुत सहयोग करते थे, लगता था कि हम भी कुछ सहयोग कर रहे हैं। जब हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट पर चर्चा करेंगे तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की भी बात इसी में आती है, तो उसको हम करेंगे। किंतु आप धीरे धीरे ऐसा जनरेशन तैयार हो रहा है, ऐसे लोग ट्रेंड हो रहे हैं, उसमें ऐसा संस्कार डाला जाता है कि प्रारंभ से ही उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है, ऐसा एटमोस्फेयर तैयार किया जाता है। और यही कारण है कि पहले के 50 वर्ष पहले की जो स्थिति थी और आज की स्थिति है, बहुत परिवर्तन हुआ है। और व्यक्ति प्रारंभ से ही जो अनप्रोडक्टिव भी है, जो काम करने जिनको अभी है रोजगार का अवसर नहीं भी मिला, दे आर ऑल्सो वेरी क्यूरियस टू गेटिंग द जॉब, और कुछ ना कुछ करके, चाहे वो कृषि का कार्य हो, चाहे उद्योग का कार्य हो,
चाहे वह ढेर से कर्ताई करो, सेवा का कार्य करो, किसी न किसी रूप से दे ऑलवेज वांट टू अर्न मनी फॉर द बेटर इंप्रूवमेंट ऑफ दैट कंसर्निंग पर्सन, यानी उसके विकास के लिए, उसके बेहतर के लिए, उसके वेलफेयर के लिए वो सदैव प्रयासरत रहता है, कुछ चिंतन करता है, वो बहुत बड़ा बोझ नहीं बनता है। ऐसे 50 वर्ष पहले इस प्रकार की बात नहीं थी, क्योंकि आज शिक्षा का इतना प्रसार प्रसार हुआ है, लोग साक्षर होते हैं, ज्ञानी होते हैं, दे इजीली अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट आर देयर लेबिलिटीज, उनके क्या दायित्व है, उन्हें कैसे जीना है, हाउ कैन दे सर्वाइव, दे नो वेरी वेल। सो पॉपुलेशन is not burden, population is a resource of any country if they are literate, they are educated, they are trained, they are healthy. Certainly this type of population is resource for that country, no doubt. इसीलिए हम लोग हाय तोबा नहीं करें। हाँ, इसकी गति जो है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता है, किंतु कोहराम नहीं मचाना है, ढिंढोड़ा नहीं पीटना है। पॉपुलेशन कंट्रोल ऑन द चाइल्ड, पॉपुलेशन कंट्रोल ऑन द चाइल्ड, हाँ, ये जनसंख्या वृद्धि पर कोहराम बहुत मत मचाना, हाँ बढ़े, किंतु इसकी गति को थोड़ा सा नियंत्रित करके रखना है। हम जानते हैं वो हैंड्स के रूप में वो वर्किंग हैंड होगा आने वाले समय में, और अधिक से अधिक उत्पादन का कार्य करेगा, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और यह एक संसाधन के रूप में है, स्रोत के रूप में है, और इसी को अब हम और आगे, ये आज मैंने इसके प्लॉट को रखा, और यह याद रखेंगे कि यह क्या है, संसाधन तो है ही, क्योंकि वह है प्रोडक्शन तैयार करता है, आय की प्राप्ति होती है, उस बेहतर जीवन जीता है, देश का इनकम में इजाफा करता है मेनली, लेकिन और इसलिए भी यह ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे भूमि हो, चाहे या पूंजी हो, स्वयं के स्तर पर क्या लिखा है, लैंड एंड कैपिटल कैनॉट बिकम यूजफुल ऑन इट्स ओन, स्वयं के स्तर पर ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, उसको कुछ करने के लिए भी क्या है तो व्यक्ति की ही जरूरत होती है, ट्रेंड हैंड की ही जरूरत होती है। इसीलिए दिस ह्यूमन और द पीपल इज द सुपर सुपर कैपिटल ऑफ सुपर फैक्टर्स ऑफ द ऑफ प्रोडक्शन, इट इज ट्रू। नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस समथिंग मोर अबाउट दिस टॉपिक, टुडे जनर थैंक्स।